हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बानसूर। चलिए बेटा, हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर 7 में आज का हमारा टॉपिक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक, डाइजेशन इन अमीबा। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, सो बिफोर दैट वी वर डिस्कस अबाउट द डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके, अब देखिए बात करते हैं अमीबा की। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अमीबा। सो अमीबा इज ए यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर बेटा? सबसे पहले यूनिसेल्यूलर यानी इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल। ओके, सिर्फ एक सेल का बना हुआ है। अगर हम बात करें हमारी बॉडी कितनी सेल्स की बनी हुई है, तो अनकाउंटेड ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स की बनी हुई है। लेकिन अमीबा क्या है? यूनिसेल्यूलर है, सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत छोटा है, टीनी है, बहुत सूक्ष्म है। ओके, टीनी, टाइनी ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म है। और स्पेशली ये कहाँ मिलता है? वाटर बॉडीज में मिलता है। ठीक है बेटा, कहाँ मिलता है? वाटर बॉडीज के अंदर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉन्ड में मिल सकता है आपको, आपके आसपास कोई स्टैग्नेंट वाटर है वहां पे भी मिल सकता है। ओके, अब बात करते हैं डाइजेशन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ इट टेक्स इट फूड। ओके, फूड कहाँ से लेता है? सिंपल सी बात है, वाटर में है तो वाटर से फूड लेगा। क्या फूड लेगा? कुछ छोटे छोटे टाइनी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओके, लाइक इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ छोटे इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, उनको क्या करता है? ये अपना फूड बनाता है। ओके, इसको फूड कैप्चर करने में कौन हेल्प करता है? तो इसको फूड कैप्चर करने में हेल्प करते हैं स्यूडोपोडिया, जिनको हम कहते हैं फाल्स सेल। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, इट हेल्प्स टू कैप्चर द फूड एंड इन ग्लॉकोमस। लोकोमोशन क्या होता है? इसको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा? किसमें हेल्प करते हैं? मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब है कि उसको मूवमेंट करने में, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में, साथ में इसको फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ये अमीबा का डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ओके, अंदर जो बीच में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज न्यूक्लियस। कि आपको जो जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है, दैट इज साइटोप्लाज्म, और बाकी है वैक्यूल्स। ओके, और ये क्या है इसके? ये जो आपको प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं इस तरह के निकले हुए, इनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया और फाल्स फीट। ओके, व्हाट इज देयर फंक्शन? दे हेल्प टू कैप्चर द फूड एंड दे आल्सो हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ द अमीबा। अब देखिए फूड पकड़ते कैसे है, तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए अमीबा। ओके, और यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स है, इट इज फूड पार्टिकल। क्या है ये? फूड पार्टिकल। तो आप देखें कि कैसे स्यूडोपोडिया हेल्प करते हैं अमीबा को फूड कैप्चर करने में। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, चलिए देखते हैं बेटा। तो ये फूड पार्टिकल है, अब अमीबा क्या करेगा? अपने जो स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया की शेप चेंज कर सकता है अमीबा। अमीबा क्या करेगा? धीरे धीरे अपने जो ये स्यूडोपोडिया है, इनको इसके करीब लेके आएगा। ठीक है, यानी अपनी शेप चेंज करेगा कुछ इस टाइप से, अंडरस्टैंड? अपने स्यूडोपोडिया इसके पास लाया, फिर धीरे धीरे क्या होगा इसके बाद? देखिए अमीबा फिर थोड़ी सी शेप चेंज करेगा, अंडरस्टैंड? और इस तरीके से इसने क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया इसके फूड के चारों ओर एंगल कर दिए, और एट लास्ट ये अपने स्यूडोपोडिया को इससे ज्वाइन कर लेगा, एंड इन दिस वे द फूड एंटर्स इनटू द बॉडी। क्लियर है? फूड अंदर चला गया। ओके, अब अमीबा में क्या होता है? सेम वही प्रोसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेस हमने डिस्कस किए थे? सबसे पहले होता है इंजेशन, ठीक है, फूड को हम इंटेक करते हैं। फिर इसके बाद होता है डाइजेशन, ठीक है, इसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है असिमिलेशन,
और उसके बाद होता है इजेशन। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा, इंजेशन हो गया, इंजेशन के बाद क्या होता है फूड वैक्यूल्स। देखिए जो अमीबा में फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इनटू द फूड वैक्यूल्स। डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, फूड वैक्यूल्स के थ्रू, यानी बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं जिनमें डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ओके, और ये फूड वैक्यूल क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। क्लियर है बेटा? जब फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं और वेस्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल था, इसको इसने ईट किया, इसका एब्जॉर्प्शन किया, असिमिलेशन किया, लास्ट में मान लीजिए ये वेस्ट मटेरियल बच गया, दिस वन, थोड़ा सेपरेट शेप से बना देते हैं, दिस वन इट इज वेस्ट मटीरियल, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस होगा, वापस से क्या प्रोसेस होगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए ये अमीबा है, इसके अंदर ये वेस्ट मटीरियल है, ओके, तो अमीबा वापस अपनी शेप चेंज करेगा, धीरे धीरे यहाँ आएगा वेस्ट मटेरियल, फिर से शेप चेंज करेगा और इसको इजेक्ट आउट कर देगा, ठीक है बेटा। जिस तरीके से अपने शुडो कोरिया की शेप चेंज करके इसने फूड इंटेक किया था, उसी तरीके से इजेशन भी कर देगा, इज दैट क्लियर? तो आई होप इसका डाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वाटर बॉडीज में रहता है, वहीं पे जो टीनी ऑर्गेनिजम्स है उनको ये इंटेक करता है। इंटेक किसके हेल्प से करता है, शुडोकोडिया, शुडोकोडिया को फास्ट फीड भी कहते हैं। इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं, एक तो ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, दूसरा लोकोमोशन, इसको अगर मूवमेंट करना है तो भी उसमें शुडोकोडिया हेल्प करते हैं।